गुड इवनिंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बाय डेफिनेशन वी कैन से द एनर्जी पजेस्ड by a body due to its position in motion is called kinetic energy of that body. Okay, so what is kinetic energy? The energy possessed by a body due to its position in motion is called kinetic energy of that body. यानी कि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम पे जो वो एनर्जी पजेस्ट करती है हम उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। और वी कैन से द अमाउंट of work that a moving object can do before coming to rest is इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, व्हाट द लाइन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट ने रेस्ट में आने से पहले तक जो वर्क किया, जो अमाउंट ऑफ वर्क उसका हुआ, वो अमाउंट हमारा किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के। ओके, नाउ सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड बीइंग इन मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। यानी कि हमारे पास हैमर है, नेल है, अगर मुझे उसे किसी वुड में अगर उसे किसी वुड में ड्राइव करना है तो मैं क्या करती हूँ? उसमें मैं फोर्स लगाऊंगी, ठीक है, हैमर पे, और हैमर में जो फोर्स लगा उसकी वजह से वो मोशन में आया, जिससे कि जो नेल है वो मेरा वुड में ड्राइव हो जाता है, वुड के अंदर चला जाता है। सो बीइंग इन मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि वो मोशन में है जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में है काइनेटिक एनर्जी और वो कुछ वर्क कर रहा है, क्योंकि उसने नेल को वुड में ड्राइव कर दिया, इसका मतलब उसमें एबिलिटी है वर्क करने की। सो वी कैन से इट हैज काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। नाउ अनदर एग्जांपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर is used to run windmills. Okay student, very known example, हमें पता है जो air है, air की वजह से जो windmills होती हैं हमारी, वो windmills किसकी वजह से run करती हैं? Of course air की वजह से। So we can say air has kinetic energy, यानी कि उसके अंदर क्या है? Motion है, motion है वो motion जिसकी वजह से वो work कर सकती है। So we can say the kinetic energy of air is used to run windmills. Okay, one more example. The kinetic energy of a fast stream of water is
यूज्ड टू रन वॉटर मिल्स. नाउ सेम एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल नंबर टू. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट स्ट्रीम ऑफ वॉटर इज यूज टू रन वॉटर मिल्स. जो हमारी वॉटर मिल्स होती हैं वो हम रन कर सकते हैं किसकी वजह से, जो हमारा वाटर है जिसकी जो स्ट्रीम है वो बहुत फास्ट होते हैं. जब वाटर है उसकी स्ट्रीम फास्ट है, वो मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से उसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, जिसकी वजह से हमारी वाटर मिल्स रन हो सकती हैं. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स. Now, suppose a variable force that is F vector acts on a body of mass M and produces displacement ds vector in its own direction. Okay, so direction is same, then theta will be 0 degree. Now the small work done is dw is equal to f vector dot ds vector. Okay, we can write it as f d cos 0 degree. Cos hamara 0 degree ho jayega kyunki jis direction mein hamara force hai usi direction mein displacement hai. Means the force and displacement both are in same direction, so cos will be 0 degree. Okay, now we can write it as f ds because we know cos 0 degree is equal to 1. Okay, now according to Newton's second law of motion, we know what is Newton's second law of motion. F is equal to m into a, that is force will be equal to mass and acceleration, the product of mass and acceleration. M हमें पता है acceleration क्या होता है, हमारा velocity upon time, so we can write acceleration as dv over dt. Okay, so dw will be equal to, suppose this is a equation number first. Okay, so from equation number first, dw is equal to what? F vector dot ds vector. What is the value of F? That is m dot dv over dt into ds. Okay, we can write m. अब मुझे पता है ds over dt क्या होता है हमारा. What is ds over dt is v, that is velocity क्या होती है हमारी, displacement upon time. Okay, so ds over dt is v. Now m dot v dv, clear? Now if the applied force increases the velocity from u, that is initial velocity, to v. ठीक है, अब हमने सपोज किया जो हमने फोर्स अप्लाइड किया था उसने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया u से v पे. ठीक है, देन द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी will be w will be equal to
we will integrate the total work done will be equal to, हमारे पास values क्या है, limit u to v, okay? What is the value of dw? That is mvdv, mvdv, okay? m will be constant, u, v. Now vdv, on integrating v, what we get? V square upon 2. Clear? Or we can write v square upon 2 u to v. Okay? Now, on putting the value, limit value, what we get? V square upon 2 minus u square upon 2. Clear? So, we can write it like half m v square minus half m u square. Okay? So, what is half m v square? That is kf minus ki. Means, final kinetic energy minus initial kinetic energy. That is equal to change in kinetic energy of the body. So, this theorem is known as work energy theorem for a variable force. Okay. Thank you, class.